वही राजधानी देहरादून समेत पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। बता दें कि नए कानून को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा सीएम धामी के सामने प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अलावा सीएम धामी को नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने के लिए किए गए प्रयासों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इसी दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज रात के 12 बजे से देश के साथ साथ प्रदेश में भी 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नए कानून से आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा, और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे, और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपये का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन। अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, और CRPC में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे, और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होगा। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी, गृह विभाग में, और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पर हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी थी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा CCPNS है, जिसके माध्यम से हमारी FIR दर्ज होती है, तो उसमें भी